Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए मिडेवल हिस्ट्री के अंत तक आ पहुंचे, ठीक। इसी के बाद जो है हम अपना आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम प्राचीन भारत में आएंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको हिस्ट्री में अगर वन डे एग्जाम का कोई भी एग्जाम आप दीजिए, इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा, ठीक। सारा क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएगा। जितनी भी क्लासेस हमारी चली हैं, अगर आप हिस्ट्री की पूरी क्लासेस देख लेते हैं, पॉलिटी की पूरी क्लासेस देख लेते हैं, तो आपको जो है इसके बाहर और क्वेश्चन नहीं मिलना है, ठीक। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपको जो है यहाँ पर उपयोगी जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। हम लोग अपने मध्यकालीन भारत में आगे अगला टॉपिक जो हमारा है वो है जहांगीर। तो अकबर जब मरा था 1605 ईस्वी में, उसके बाद जो शासन करता है वो कौन करता है? जहांगीर करता है। 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक का कार्यकाल जहांगीर का रहता है। तो आइए हम जहांगीर के बारे में समझते हैं कि जहांगीर ठीक कौन था और क्या था इसका शासन। तो हमने बताया कि फतेहपुर सीकरी में 1569 ईस्वी में जो है जहांगीर का जन्म हुआ था। और चूंकि सलीम चिश्ती की दरगाह पर इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम जो है पहले सलीम रखा गया था। तो इनका जन्म कहां हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था और 1569 ईस्वी में हुआ था, ठीक। कहां पर? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर हुआ था। और इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम हरखा बाई था और पिता पता ही है अकबर था। तो देखिए, फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म होता है और इनके जो गुरु थे ना, इनके गुरु जो थे वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो जहांगीर के गुरु का क्या नाम था? तो जहांगीर के गुरु का नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। 1585 ईस्वी में इनका विवाह मानबाई के साथ हो जाता है। किसके साथ? मानबाई के साथ इनका विवाह होता है। और एक बात और समझ लीजिए कि मानबाई जो थी वो भगवान दास की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? भगवान दास की पुत्री थी। मानबाई जो थी इन्हीं के साथ इनका विवाह होता है 1585 ईस्वी में। और ये किसकी पुत्री थी? तो भगवान दास की पुत्री थी। इन्हीं से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था खुसरो, ठीक। तो खुसरो जो है मानबाई और जहांगीर का पुत्र था। आगे चलने पर 1588 ईस्वी में इनका विवाह होता है जगत गोस्वामी से, ठीक। 1588 ईस्वी में इनका विवाह जगत गोसाई से होता है, जो कि उदय सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? उदय सिंह की पुत्री थी। और इन्हीं का नाम था जोधाबाई, ठीक। जो कि सब कहते हैं कि अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था। तो चूंकि अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई नहीं था, अकबर उसे प्यार से जोधपुर की रानी थी वो, इसीलिए जोधा जोधा कह के बुलाता था अकबर। लेकिन नाम की बात किया जाए तो जगत गोसाई जो थी जहांगीर की पत्नी, उनका नाम था जोधाबाई, ठीक। तो जगत गोसाई अर्थात जोधाबाई और
जहां गीत से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम था, जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम नाम था। और जो कि अगला मुगल बादशाह बनता है शाहजहां नाम से, शाहजहां के नाम से अगला मुगल बादशाह बनता है। इसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम नाम था। और खुर्रम किसका पुत्र था? जोधाबाई और जहांगीर का पुत्र था। आगे देखते हैं, इसके बाद जो है 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह होता है। 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह होता है। क्यों? आखिर खुसरो विद्रोह क्यों करता है? पहले आप ये समझ लीजिए, जब जहांगीर अपने आप को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, अकबर जब जीवित था तब की बात है, तो अकबर जो था वो अपना अगला उत्तराधिकारी खुसरो को बना देता है। किसको? खुसरो को बना देता है। तो इसीलिए जब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि अकबर खुसरो को बनाया था अपना उत्तराधिकारी, तो इसीलिए खुसरो जो है अपने आप को राजा घोषित कर देता है। तो यही कारण था कि 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह होता है। और खुसरो का विद्रोह होता है तो जो सिखों के पांचवें गुरु थे, ठीक, सिखों के जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, कौन? गुरु अर्जुन देव। तो जो सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, ये जो है खुसरो की सहायता कर रहे हैं। क्योंकि सिख अभी तक, इसके पहले, जहांगीर के पहले सिख और मुगल दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी, दोनों एक दूसरे के काम आते थे। तो चूंकि अकबर ने इसको बनाया था उत्तराधिकारी, इसीलिए इसकी मदद की किसने? गुरु अर्जुन देव ने। जब ये बात पता चली किसको? जहांगीर को, कि गुरु अर्जुन देव जो है इसकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो जहांगीर क्या करता है? जहांगीर गुरु अर्जुन देव की हत्या करा देता है और खुसरो को क्या कर देता है? अंधा कर देता है। ठीक, तो अगर प्रश्न बन जाए कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? जहांगीर। ठीक, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की? जहांगीर ने की। हमने इतना बता दिया। आगे देखेंगे, खुसरो को अंधा कर दिया, अब जो है खुसरो का कोई रोल नहीं रहता। आगे चलते हैं, तो 1608 ईस्वी में इसके दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज, भाई अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था? राल्फ फिंच आया था। फिर अकबर के बाद जहांगीर, तो जहांगीर के समय में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो समझिएगा, 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम था। क्या नाम था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक, तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो कि 1608 ईस्वी में आया था। ठीक, तो इसको भेजा किसने था? इसको भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको भेजा था 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। आगे देखिए, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों की अस्थाई फैक्ट्री लगती है, कहां पे? मुसलीपट्टनम में। कहां पे? मुसलीपट्टनम में। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों की
अस्थाई फैक्ट्री लगती है और कहां लगती है? मुसलीपट्टनम में। ठीक, तो चूंकि ये जो अंग्रेज था विलियम हॉकिंस, ये जहांगीर के दरबार में गया व्यापार के लिए गया था कि जो है हम लोग अपनी फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, तो जहांगीर ने उसे परमिशन दे दिया कि ठीक है। तो जो अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री लगी थी, अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री जो लगी थी वो मुसलीपट्टनम में लगी थी, कितने ईस्वी में? 1611 ईस्वी में। इसी के बाद 1613 ईस्वी में अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री लगती है। स्थायी फैक्ट्री कहां लगती है? सूरत में लगती है। तो अगर प्रश्न बन जाए कि अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री कहां लगी थी, तो वो कहां लगी थी? सूरत में लगी थी। यह प्रश्न बन जाए कि अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री कहां लगी थी, तो वो कहां लगी थी? मुसलीपट्टनम में लगी थी। आगे हम देखते हैं इसके बाद जो है जहांगीर जो था ना, वो अपनी जंजीर, न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर ने अपने दरबार से जंजीर लगाई थी घंटी टाइप की, तो जो भी जिसको भी न्याय चाहिए रहता था, रात में 12 बजे भी अगर आकर के वो उस जंजीर को खींचता था तो जहांगीर आकर के न्याय करता था। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। तो जहांगीर अपनी किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। और इसने 12 घोषणा करवाई थी, 12 घोषणाएं करवाई थी। जहांगीर ने 12 घोषणाएं करवाई थी जो कि जनता के हित के लिए था, जिसका नाम क्या पड़ा? जिसका नाम था आईने, आईने जहांगीरी। तो आईने जहांगीरी में क्या था? आईने जहांगीरी में जो जहांगीर ने 12 घोषणाएं करवाई थी उसी का वर्णन था। और जहांगीर पहला बादशाह था जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। अगर बन जाए प्रश्न आ जाए कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम बादशाह या प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो प्रथम मुगल बादशाह कौन था? वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। जहांगीर जो था वो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। आगे देखते हैं, आगे क्या किया इसने? इसने जो है हिंदू को होली और दीवा, ठीक, जहांगीर ने क्या किया? हिंदू को होली और दिवाली पर जुआ खेलने की परमिशन दी। ठीक, तो हिंदू को होली और दिवाली पर जुआ खेलने की परमिशन किसने दी थी? तो किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। इसी के बाद 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से यह विवाह कर देता है। किससे विवाह करता है? मेहरुन्निसा से विवाह करता है। ईस्वी में जहांगीर मेहरुन्निसा से विवाह करता है। और मेहरुन्निसा का नाम क्या था? मेहरुन्निसा का ही नाम था नूरजहां। 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से विवाह करता है और मेहरुन्निसा का ही नाम क्या था? नूरजहां। ठीक, मेहरुन्निसा का नाम था क्या? नूरजहां। और इसी का जो पति था ना, इसका पति था अली कुली बेग। क्या नाम था उसका? अली कुली बेग या फिर शेर अफगान। तो अली कुली बेग कौन था? मेहरुन्निसा का पति था।
और चूंकि जहांगीर को मेहरुन्निसा अच्छी लगती थी, इसीलिए जहांगीर ने अली कुली बेग की हत्या करवा ली थी। तो हत्या करवा करके जो है नूरजहां से अर्थात मेहरुन्निसा से शादी कर लेता है। और नूरजहां के जो पिता का नाम था ना, उसका नाम था ग्यास बेग। पिता का नाम क्या था? ग्यास बेग। ठीक, नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था और इसकी माता का नाम असमत बेगम था। और असमत बेगम का जिक्र जो इतिहास में होता है, गुलाब की पंखुड़ियों से इन्होंने इत्र बनाया था। क्या चीज? गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र के निर्माण के लिए, या गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र का निर्माण किसने करवाया था? तो असमत बेगम ने करवाया था। ठीक, वही नूरजहां के जो पिता थे ग्यास बेग, जहांगीर ने इनको एक उपाधि दी थी और एतमादुद्दौला। ठीक, एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने। तो अगर प्रश्न बन जाए कि ग्यास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि किसने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। और इनका जो मकबरा बना था, इनका मकबरा एतमादुद्दौला का मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है और जो कहां पे है? आगरा में है। ठीक, तो ये चीज था हमारा जहांगीर के विषय में। इसके आगे का जो भाग है वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप अपने इस परिवार द स्पीड स्टडी से जुड़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।